तो आज शाम को कुछ स्नैक्स खाने का मन हुआ बट नॉन वेजिटेरियन, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये स्नैक्स आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनी थी। इसका नाम है क्रिस्पी चिकन फ्राई, जो मैंने घर पे बनाया था। ये क्रिस्पी तो था ही, साथ में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हुआ था और बहुत टेस्टी बना था, और इसे मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया था। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चिकन क्रिस्पी फ्राई बनाने के लिए मैंने चिकन को लिया है और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, फिर हाफ लेमन का जूस निकाल करके उसमें ऐड किया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और देगी मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था। फिर मैंने एक प्याज का पेस्ट, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली को अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड किया, और इसे हम बहुत अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला मैंने ऐड किया सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी क्या करना है, अब चिकन ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें एक टेबल स्पून डालूँगी कॉर्नफ्लावर। तो मैंने एक टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून मतलब इसमें कॉर्नफ्लावर डाला, और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखो आप मैरिनेट किया हुआ चिकन कितना अच्छा दिख रहा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब आप चिकन वॉश करोगे तो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, तो आप चिकन को अच्छे से ड्राई कर लेना, मतलब उसका जो पानी रह जाता है धोते वक्त वो सारा अच्छे से निकाल लेना। तो ये जो मसाले हैं सब चिकन में बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गए थे, और इसे मैंने 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब मैंने मस्टर्ड ऑयल में से बनाया था, तो कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे ताकि जो ऑयल का झाग होता है वो सारा निकल जाए, और एक एक करके जो चिकन है उसको हम डालेंगे इसमें, और इसे हम लो फ्लेम में दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक करेंगे। अगर फ्लेम को आप हाई रखोगे ना तो ये जल सकता है, और बाहर से तो कुक हो जाएगा नो डाउट, बट ये अंदर से कुक नहीं होगा। तो इसे हमें अंदर से कुक करने के लिए आराम से लो फ्लेम में पहले तो तेल को बहुत अच्छे से गर्म करके फिर आराम से लो फ्लेम में हमें चिकन को बहुत अच्छे से करारा करके रेड करके अच्छे से फ्राई करना है। जब आप देखोगे कि चिकन का कलर चेंज हो गया है और ये डीप फ्राई हो गया है तभी हमें इसे निकालना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से मैंने इसे दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक किया। जब ये अच्छे से कुक हो गया आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ गया है चिकन में, और मेरा चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे मैं गार्निश करूँगी फ्रेश हरी धनिया की पत्ती से, और गरम गरम इसे सर्व करें विथ थोड़ा सा लेमन और प्याज। सो बहुत टेस्टी रेसिपी है गाइस।